और उस सेना की बात मैं कर रहा हूं जब सेना पर बात होती है इस देश में, और पिछले कुछ दिनों से ये प्रवृत्ति और बढ़ गई है कि जब भी सेना पर बात होगी तो केवल गौरव बोध से होगी, उसे एक हॉली काऊ बना करके पेश किया जाएगा। गोया अगर आपने सेना पर कोई सवाल उठाया तो राष्ट्र पर सवाल उठा दिया। सेना -40 डिग्री में लड़ रही है तब हम जिंदा हैं, राष्ट्र नहीं बचेगा। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी जो यहां दोहराना चाहता हूं कि -40 डिग्री में लड़ने वाले लोगों को भी सैल्यूट है, लेकिन +40 डिग्री में जो खेत में किसानी कर रहा है, जो सड़क पर मजदूरी कर रहा है, जो आदिवासी है, वह भी इस राष्ट्र का सबसे बड़ा नागरिक है, और बिना उसके राष्ट्र पूरा नहीं हो सकता। कि आप हमें लोकतंत्र मत सिखाइए, आपको लोकतंत्र हमसे सीखना होगा। हम इस मुल्क के मूल निवासी, हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस मुल्क की जल जंगल जमीन के पहले हकदार हैं। मुझे लगता है कि संविधान सभा की बहस में दिया गया वो भाषण अब इतिहास बनता जा रहा है, और उनसे जल जंगल जमीन और उनकी प्राथमिक सदस्यता को छीनने के लिए जो अनवरत युद्ध चल रहा है वो अपने अलग पड़ाव पर चल रहा है। जिसका बहुत जोर शोर से प्रचार भी किया गया, और जो एक वाकई बड़ी उपलब्धि है कि इस देश को आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव के वक्त पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठी है, हम उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं। और वाकई ये इस देश में पहली बार हुआ, मगर उस दिन के बाद, कल के बाद, आज दिल्ली के इस प्रेस क्लब में बैठ करके जिस मुद्दे पर यह बातचीत हो रही है वो देश में पहली बार नहीं हुआ है। और इस मंच पर खास तौर पे मैं जिस एक महिला को पहली बार मैं उनको सामने से देख रहा हूं, लेकिन उनके संघर्षों को लगातार पढ़ते, देखते, समझते हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि किसी महिला का, पहली आदिवासी महिला के तौर पर इस मुल्क का राष्ट्रपति होना बड़ी बात है, मगर वो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। मुझे लगता है कि अगर उस जगह पर लड़ने वाला कोई सोनी सूरी जैसा व्यक्ति होता तो वो एक साझा उपलब्धि होती, सामूहिक उपलब्धि होती। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं अपनी बात रखूंगा, और बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारे सामने बहुत वरिष्ठ लोग हैं और जो पैनल है उसमें लड़ने वाले लोग ही हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अस्थाई प्रोफेसर, इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं कि इस देश में कुछ भी स्थाई बचा हुआ, न नौकरी और न आपके उम्मीदों का कोई मयार। और इसी के ठीक पहले दो तीन दिन पहले एक विवाद और आया था, जब सेना को, और उस सेना की बात मैं कर रहा हूं जब सेना पर बात होती है इस देश में, और पिछले कुछ दिनों से यह प्रवृत्ति और बढ़ गई है कि जब भी सेना पर बात होगी तो केवल गौरव बोध से होगी, उसे एक हॉली काऊ बना करके पेश किया जाएगा। गोया अगर आपने सेना पर कोई सवाल उठाया तो राष्ट्र पर सवाल उठा दिया। और फिर भी एक पॉलिसी बनती है कि 4 साल के लिए टेम्परेरी सैनिक भी भर्ती होंगे, और उस कॉलम में जोड़ा गया है कि उनकी जातियां भी पूछी जाएंगी। जब विवाद हुआ कि आप जाति क्यों पूछ रहे हो, 4 साल बाद जब निकालने जाओगे तो 75% लोग जो निकलेंगे उनमें जाति कहीं काम ना आए। और तब हमने ये बात जब कही, पैनल में बैठा हुआ था, वहां एक रिटायर्ड कर्नल लगातार ये बात कह रहे थे कि सेना पर सवाल नहीं उठा सकते, सेना -40 डिग्री में लड़ रही है तब हम जिंदा हैं, राष्ट्र नहीं बचेगा। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी जो यहां दोहराना चाहता हूं कि -40 डिग्री में लड़ने वाले लोगों को भी सैल्यूट है, लेकिन +40 डिग्री में जो खेत में किसानी कर रहा है, जो सड़क पर मजदूरी कर रहा है, जो आदिवासी है, वह भी इस राष्ट्र का सबसे बड़ा नागरिक है, और बिना उसके राष्ट्र पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस पृष्ठभूमि में मैं अपनी पूरी बातचीत केवल इस बात पर केंद्रित कर रहा हूं कि इस मुल्क के ही एक हिस्से में, हिमांशु जी से बात हो रही थी तो हमने यही समझा कि एक अनवरत युद्ध चल रहा है
अघोषित युद्ध चल रहा है वो इस मुल्क के आदिवासियों के लिए, जिनके लिए जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बहस में कहा कि आप हमें लोकतंत्र मत सिखाइए, आपको लोकतंत्र हमसे सीखना होगा, हम इस मुल्क के मूल निवासी हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस मुल्क की जल जंगल जमीन के पहले हकदार हैं। मुझे लगता है कि संविधान सभा की बहस में दिया गया वो भाषण अब एक इतिहास बनता जा रहा है और उनसे जल जंगल जमीन और उनकी प्राथमिक सदस्यता को छीनने के लिए जो अनवरत युद्ध चल रहा है वो अपने अलग पड़ाव पर चल चुका है। और किससे? राष्ट्रपति बनने के तो सेंट्रल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसे हम कई बार मनु स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं, उसमें खूब आए, लेकिन जितने संघर्ष आदिवासियों ने किए और आज भी कर रहे हैं वो उन खबरों में नहीं आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हिमांशु कुमार जी के बहाने जो एक मौका मिला है, और मैं उससे सहमति दर्ज करता हूं जो प्रोफेसर सरोज गिरी ने इस पूरे मामले को व्यक्तिगत मामला न बना करके राष्ट्र का मामला बनाया है, इसलिए पहली बार कि इस मुल्क में लड़ने वाला हर आदिवासी इस मुल्क को बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो केवल आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, वैसे तो इस देश में प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मैं भी ओबीसी हूं, किसी ने उनसे जाति नहीं पूछा था फिर भी उन्होंने अपनी जाति बताई, लेकिन एक बार भी कोई मंडल कमीशन का नाम नहीं लेते, ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कराते, ओबीसी के किसी मसले पर नहीं बोलते। वैसे ही पिछली बार जो राष्ट्रपति थे अभी, वो दलित हैं, उनकी जाति बताई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, फिर भी उन्होंने हाथरस पर कुछ नहीं बोला, और उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी, 13 पॉइंट रोस्टर और राम मंदिर बनवाना, ये उनकी उपलब्धि है। हमें डर है, हमें चिंता है कि एक आदिवासी महिला को आगे कर करके, उस महिला का विरोध कोई नहीं कर सकता, ये तो पहली बार इस मुल्क में हुआ है, ये तो बड़ी बात है, पहले के लोगों ने क्यों नहीं किया जो राष्ट्र के निर्माण की बात करते थे, सेकुलर थे, डेमोक्रेटिक थे, प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया, मगर उन्हें आगे रख करके कहीं इस लड़ाई के साथ क्या न्याय होगा, ये हमारी चिंता है। और ये केवल गोमपाड़ का मामला नहीं है, इस मुल्क के हर कमजोर वंचित शोषित के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है, वो युद्ध हमें अभी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो झेल रहा है, जिसके ऊपर उसकी मार पड़ रही है, उसे पता चल रहा है कि वो युद्ध कौन सा है। और इसलिए इस पूरे मसले पर हमें इसे व्यक्तिगत लोगों का, और मैं इस मंच से फिर से याद करूंगा, हमेशा हमने याद किया है अपने उन लोगों को जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए जेल में है, मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नौलखा, वरबर राव, तमाम लोग जेल में हैं, शायद वो हमारे हिस्से की ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक साबित कुछ नहीं हुआ लेकिन वो जेल में है, कुछ लोग जेल में जाने की तैयारी में है। हिमांशु कुमार को इसलिए निशाने पर रखा गया, और मंच पर तो प्रशांत जी बैठे हुए हैं, हिमांशु जी पर जुर्माना 5 लाख का लगाया गया, प्रशांत जी पर 1 रुपये का लगाया गया था, क्या प्रशांत जी के पास 1 रुपया नहीं था? लेकिन इन्होंने तय किया कि हम वो भी जुर्माना नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन लड़ाई लड़ी थी आपने, मुझे लगता है कि यह जो संघर्ष है, प्रतिरोध का संघर्ष है, इसे किसी व्यक्ति, मैं फिर से कह रहा हूं, भीमा कोरेगांव यलगार परिषद की बात हो, या आदिवासियों की बात हो, या ओबीसी की बात हो, दलितों की बात हो, और इस देश के वंचित शोषित लोगों की बात हो, इसे एक बड़े फ्रेम में देखेंगे तो हम सब उस लड़ाई में शामिल हैं, हम खामोश रह करके भी मारे ही जाएंगे, इससे अच्छा है कि जो चुना है इन लोगों ने कि लड़ते हुए आगे खड़े होंगे, मैं हिमांशु कुमार के साथ खड़ा हूं, और मैं पूरी संवेदना के साथ उस लड़ाई के साथ खड़ा हूं जो आदिवासी लड़ रहे हैं, सोनी सूरी जी लड़ रही हैं, और अनगिनत आदिवासी इस देश के ही, इस मुल्क के ही तमाम कोनों पर ये कह रहे हैं कि जिस विकास के नाम पर एक कुर्सी पर आपने एक महिला को बिठाया, मगर दूसरी कुर्सी पर अपने दोस्त को बिठाकर उस जल जंगल जमीन को आप बेच रहे हैं, ये दोनों कुर्सियां हमारे सामने हैं, हम संघर्ष के उस विरासत के साथ खड़े हैं, और इसलिए अपनी पूरी संवेदना जताते हुए मैं यहीं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।